मैं दो तीन एग्जामों के बारे में बताऊंगा जिससे कॉमन इश्यू है। एसएससी का जो आंदोलन हुआ था तो उस समय पेपर लीक हो गया था, एग्जाम होने से 15-20 मिनट पहले के सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। जब ये खुराना साहब जो एसएससी चीफ है उनसे जब पूछा गया भैया ये पेपर कैसे लीक हो गया, उन्होंने बताया ये टेक्निकल ग्लिच है। अब ये टेक्निकल ग्लिच इतनी बड़ी है कि पूरा पेपर लीक, हर जगह नकल हो रहे हैं जो पता नहीं चल रहा है। एसएससी के एक एग्जाम में टेंटेटिव वैकेंसी आई 3000, जिसमें सीएचएसएल का एग्जाम जो था, और यूपीएसटीएफ ने एक जगह रेड डाला, गांधी विहार से, तिमारपुर में है गांधी विहार से, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, तो गांधी विहार से एक ग्रुप को पकड़ा और यूपीएसटीएफ की रिपोर्ट में है कि इन लोगों ने 4500 लोगों का नकल करवा चुका है, 4500 लोगों के नकल हो चुके थे और वैकेंसी थी 3000। तो ये चीटिंग की स्थिति है एसएससी में। जो खुराना साहब एसएससी आंदोलन हुआ हम लोग शुरू में स्टार्ट किए, बाद में अनुपम भैया लोगों का सहयोग मिला तो आंदोलन और बड़ा हुआ। उस एसएससी में जो एसएससी चीफ है, लड़कों की सबसे बड़ी नाराजगी थी कि ये खुराना को हटाओ। मोदी को गाली नहीं देते थे वहाँ लोग, लड़के ये गाली देते थे हम लोग कि भाई खुराना को हटाओ, यही कर रहा है, इसी सेटिंग चल रही है। और जब हम लोगों ने उस पर RTI के थ्रू हम लोगों ने पता किया तो खुराना साहब की एक तो एक्सटेंशन दिया गया, वो गड़बड़ था, वो रिटायर हो रहे थे उनको एक्सटेंशन दे दिया गया, हटाने के बजाय उनको एक्सटेंशन मिला। और जब हम लोग RTI और बाकी चीज़ों से पता किए तो पता चला कि उनकी जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो भी गलत हुआ था। इस पर शायद अनुपम भैया और अच्छे से बता सकेंगे, इस पर केस भी हुआ है, इस पर बताएंगे। रेलवे की परीक्षा में जो टेक्निकल ग्लिच एसएससी के एग्जाम में हो गया कि ऑनलाइन पेपर था और जो सबके पास जो वायरल हो रहा था वो ऑफलाइन फॉर्मेट में PDF वायरल हो रहा था। इसी तरह रेलवे के एग्जाम में TCS एग्जाम करवा रही है और सारा पेपर ऑनलाइन हुआ, ग्रुप डी का जो इन लोगों का अभी तक का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, 2,37,00,000 अप्लीकेंट थे उसमें और वैकेंसी करीब 60,000 थी। इस एग्जाम में सारा पेपर ऑनलाइन, लेकिन एग्जाम होने से पहले और उसके बाद भी PDF फॉर्मेट में पूरा पेपर, हालांकि आंसर की आने के बाद सबके पास पेपर होना चाहिए। एग्जाम वाले दिन हम लोगों के पास पेपर आया युवाला बोल के पेज पे और व्हाट्सएप के थ्रू हेल्पलाइन नंबर पे कि वो पूरा पेपर PDF फॉर्मेट में, ऑनलाइन पेपर का PDF फॉर्मेट केवल वही अथॉरिटी निकाल सकती है जो उसको होल्ड करती है, जैसे TCS है वेंडर, वही उसी के पास होगा पूरा पेपर, बाकी किसी के पास नहीं होना चाहिए। जबकि पूरे मार्केट में, पूरे सोशल मीडिया में हर जगह वायरल थी। ये थी रेलवे की बात। और जो DSSP है, जो मेन इश्यू है डीले वाला, तो डीले आप कितना समझ सकते हैं, कोई वैकेंसी अगर होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो हमारे DOPT मिनिस्ट्री कहती है 6 महीने में वैकेंसी पूरी हो जानी चाहिए। और DSSP की हालत ये है कि 2009 की वैकेंसी है DAS Grade 2, दिल्ली सबॉर्डिनेट का ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है जिसपे रिक्रूटमेंट, DAS Grade 2 में 2009 की वैकेंसी है, ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली है। 2013 के करीब 30 से ज्यादा एग्जाम है जिसकी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, और मतलब एग्जाम ही नहीं हुआ कुछ तो, एग्जाम ही नहीं, 30 से ज्यादा के एग्जाम ही नहीं हुए। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो एक DAS Grade 2 जो 2013 की वैकेंसी थी उसके लिए एग्जाम हुआ, प्री हुआ, मेंस अभी नहीं हुआ है उसका। तो ये तो हालत DSSP और एग्जाम में डिले की है।